हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो डेट इज़ अ प्रीति सेबा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और इस कोरोना में अपने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, इस पेंडेमिक में अपने सारे प्रिकॉशंस लेते होंगे। आज का जो मैं ये लुक क्रिएट की हूँ, ये एक हेवी मेकअप लुक है और आप भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें आप अगर चाहते हैं कि इस लुक को आप क्रिएट करें। और ये बहुत अच्छा लुक है, आप पार्टी वेयर लुक है, ईद के लिए लुक है, आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को सेट कर रही हूँ यहाँ पर। इसके लिए मैं फिल कर रही हूँ पहले ब्राउन कलर से आईब्रो को पूरे अच्छे से। ब्राउन कलर नेचुरल लुक देते हैं हमारे आईब्रोज को। Now, with the help of brush, I am using the concealer to sharp my eyebrows. अब सेम ब्राउन पेंसिल की हेल्प से मैं दोबारा से अपने आईब्रो को एक बार फिल कर रही हूँ। स्पूली के हेल्प से मैं आईब्रो को सेट कर रही हूँ अच्छे से। अब मैं कंसीलर जो 03 शेड में है ओलिविया का, मैं इसे पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ एज अ बेस। अब मैं इसे डैप डैप करके ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीज लाइन आईज पे ना दिखे और जो भी मेकअप यूज़ करें हम आईज पे वो बहुत अच्छे से दिखे हमें। अब मैं मेकअप रिवोल्यूशन का ये जो पैलेट है इसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं पूरे आईज़ पे लगा रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना है इसे, दोनों आईज़ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करें। ये एक शिमर पैलेट है, इसमें से मैं ब्लू कलर पिकअप करके इसे पूरे आईलिड पे मैं यूज़ करूँगी। ये बहुत ही क्रीमी है और बहुत ही अच्छे से ये हमारे पूरे आईज पे ब्लेंड हो जाता है। मैं सेम कंसीलर से मैं इस पे आईज पे कट क्रीज बनाऊंगी। आप भी बहुत आसानी के साथ कट क्रीज कर सकते हैं अपने आईज पे। सिंपल सा स्टेप फॉलो करके जो मैं कर रही हूँ। मैं सेम पैलेट से ब्लू कलर पिकअप करके दोबारा से आईज पे जहाँ पर मैं ब्लू कलर यूज़ की हूँ उसे मैं अच्छे से फिनिशिंग टच दे रही हूँ उसे ताकि हार्श लाइन ना दिखे कंसीलर के ऊपर। ये ADS का आई शेड है, इसमें से मैं येलो कलर पिकअप करके जहाँ पर कट क्रीज बनाई हूँ उसे मैं यूज़ कर रही हूँ वहाँ पर।
यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ वाटरप्रूफ। मेबलिन का मस्करा है, ये बहुत ही डार्क ब्लैक में है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मैं हुडा ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस। हम जानते हैं कि प्राइमर हमारे फेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, एक बेस सेट करते हैं हमारे फेस के लिए। जो भी हम मेकअप यूज़ करते हैं बहुत अच्छे से सेट हो जाता है हमारे फेस पर, तो प्राइमर ज़रूर यूज़ करें आप। यहाँ पर मैं फाउंडेशन के जगह पर बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, पूरे अच्छे से अपने डॉट डॉट करके फेस पे, नेक पे और ईयर पे यूज़ कर रही हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं डैब डैब करके पूरे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। हमेशा मेकअप को डैब डैब करके ही ब्लेंड करना चाहिए। अब मैं सेम कंसीलर के हेल्प से जो 03 शेड में है, मैं इसे अंडर आईज़ पे, अपने नोज़ एरिया पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, चिन पे, जॉ लाइन पे अच्छे से मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। अब सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे मैं डैब डैब करके पूरे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी अच्छे से। यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन लिपस्टिक के हेल्प से कंटूर करूँगी नोज़ को। चिक एरिया को, जॉ लाइन, फोरहेड को और ब्रश के हेल्प से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत ही क्रीमी लिपस्टिक है तो आसानी के साथ ब्लेंड हो गया। यहाँ पर मैं बेबी लिप बाम यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश और इसे ब्रश के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। Now I am using the highlighter to highlight my cheekbone, nose, bridge of the nose, forehead, chin. Now I'm using the same palette and I'm taking the yellow color and applying at the inner layer of my eyes, at the corner, and in the middle I will use the blue color to give a finishing touch to my eyes. मैं अपने आईब्रोज को हाईलाइट करी हूँ यहाँ पर।
आई कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ, इससे आंखें बड़ी दिखती हैं। आईलाइनर के हेल्प से अपने आईज़ को एक शेप दे रही हूँ, आप भी कर सकते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है, इससे आंखें खूबसूरत दिखती हैं। मैं ब्लू हेवन का काजल यूज़ कर रही हूँ और मैं काजल जो सिर्फ यूज़ करूँगी वो सिर्फ हाफ़ आइज़ पे यूज़ कर रही हूँ, इससे आंखें बड़ी दिखती हैं। आउटर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हूँ ओनली। अब मैं यहाँ पर पिंक कलर का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, रोज़ डे, जिसका शेड है R31। एट लास्ट आई एम यूजिंग द मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ और साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे मैं डैब डैब करके सेट कर रही हूँ पूरे फेस पे। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप कि सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड मुझे बहुत सारा प्यार दें। आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप जानते हैं कि एक लाइक भी आपका मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि आप भी ईद पर ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो मैं आज मेकअप लुक क्रिएट की हूँ, ये एक हेवी दुपट्टे के ऊपर था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसे पिनअप करूँ। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरे ज़रूर आप देख पाएँ जब भी मैं न्यू बनाऊँ वीडियो। और प्लीज़ इस कोरोना में अपने अच्छे से ख्याल, सारे सेफ्टी, सारे प्रिकॉशन लें और मुझे दुआओं में याद रखें और सबको दुआओं में याद रखें। थैंक यू, बाय बाय।